वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने मंगलवार को कोरोना वायरस के संबंध में मंडल के संबंधित अधिकारियों से वार्ता किया और अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा की। गोरखपुर के NIC सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मंडलायुक्त जयंत नालिकर सहित संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने कहा कि कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाई जाए तथा कोई भी मरीज अगर सीरियस हालत में है उसे वेंटिलेटर भी उपलब्ध कराया जाए। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में बेड की कमी नहीं है, इसके बाद भी 50,000 बेडों की क्षमता बढ़ाई जा रही है। वो नंबर भी उनमें फिर ड्रास्टिक रिडक्शन हुआ है, जो कि बहुत अच्छा साइन नहीं है। फॉल्स नेगेटिव भी लेता है। मान लीजिए कि आपने 100 एंटीजन टेस्ट किया और 100 एंटीजन टेस्ट में आपके 3 पॉजिटिव आपको मिले, अगर 1,000 कर रहे हैं तो आपके 20 लोग छूट गए और 10 दिन में आपके 200 लोग ऐसे इन्फेक्टेड लोग अब भी आपके सैंपलिंग करने के बाद भी सब छूटे हुए घूम रहे हैं और वो एक दूसरे को इम्पेक्ट कर रहे हैं, तो वो बाद में आपके लिए बड़ी समस्या बन के सामने आएगी। तो इसमें RT-PCR के सैंपल्स को भी आपको साथ के साथ करते रहना है। एक जो एंटीजन टेस्ट में जो आपको कहा गया था कि एंटीजन निगेटिव जो आएंगे उसमें जो सिम्टोमेटिक केसेस हैं उनको आप जरूर RT-PCR में मिलेंगे। एक बात उसमें हम लोग एक चीज और ऐड करने जा रहे हैं राइटिंग में, आपको मैं अभी मौके बता दे रहा हूँ कि एंटीजन निगेटिव में जो सिम्टोमेटिक है उसको तो आप भेजेंगे ही, उसके अलावा जो भी वो मॉर्बिड केस होंगे उनको आप 100% भेजेंगे। है कि उसको कोई किडनी की बीमारी है या डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है तो उसको भी भले ही वो सिम्टोमेटिक हो या ना हो उसको भी RT-PCR के लिए मिलना आवश्यक होगा। तो ये करीब 30,000 सैंपल बन रहे थे, वो हमारा मिस नहीं होना चाहिए, वो टारगेट मिस नहीं होना चाहिए। ये आप जानते हैं कि RT-PCR